आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। Hey guys, welcome to my vlog. आप सोच रहे होंगे कि एक साल का गैप लेने के बाद अब ये वीलॉग वापस शुरू करने का क्या मकसद है। वेल, एक साल पहले जब मैं वीलॉग्स वीक 10 दिन में होस्ट किया करता था, तब माहौल अच्छा था, हैप्पी थे हम लोग, सब ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे। फिर उसके बाद ये कोविड का लॉकडाउन आ गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और फिर मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा, मुझे लगा कि ऐसे वक्त में जब हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद होके पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, ऐसे में अगर मैं वीलॉग्स डालता रहूंगा कि मैंने कहां कहां ट्रैवल किया, तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, शायद इनअप्रोप्रिएट लगे, शायद इनसेंसिटिव हो थोड़ा कि ये क्या शो ऑफ कर रहा है, घूमने की बातें कर रहा है, जबकि एक्चुअली वी ऑल हैव बीन स्टक। हर तरफ डर और घबराहट का माहौल है। ऐसी या इससे बदतर सिचुएशन हर अस्पताल की, बेहद तेजी से फैलने वाले इस वायरस की वजह से अनगिनत लोगों की हालत गंभीर। तो मुझे थोड़ा इनसेंसिटिव लगा, इसलिए मैंने मेरे व्लॉग्स पे एक तरीके से पॉज बटन लगा दिया और वो बंद कर दिया पोस्ट करना। हालांकि आज जो मैं वीलॉग आपको दिखाने वाला हूं, ये एक साल पहले ये वीलॉग एडिट होके रेडी हमारे पास में पड़ा हुआ था, मगर हम कभी उसे पोस्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन अब जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थोड़े खुलने लगे हैं, लोग घूमने घामने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वक्त है, हमें जरूरत है हैप्पी प्लेसेस की, हैप्पी मेमोरीज की, हमें जरूरत है दोबारा उन जगहों पे जाने की जहां हम जा चुके हैं या देख चुके हैं, और ये शेयर करने की सब लोगों के साथ। मुझे लगता है अब शायद इतना इनअप्रोप्रिएट लोगों को ना लगे अगर मैं अपनी ये जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाहूं। तो अगेन वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, और मैं कंटिन्यू करता हूं वहीं से जहां पे हमारा पॉज बटन लगा था। पेरिस की एक रंगीन शाम, बचपन में वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना, आओ तुमको दिखलाता हूं पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 इन्नी मुन्नी पेरिस। मैं छोटा था तो मुझे एन इवनिंग इन पेरिस बोलना नहीं आता था, मैं इन्नी मुन्नी पेरिस बोलता था। ओके, सो इन्नी मुन्नी पेरिस। मुलारूश, हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ पेरिस की सबसे फेमस जगह की, सबसे फेमस चीज मुलारूश। मुला का मतलब होता है मिल, और रूश मतलब रेड फ्रेंच के अंदर, तो मुलारूश मतलब रेड मिल, यानी कि रेड कलर के पंखों वाली ये बड़ी सी एक मिल है इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रही है। ये मिल जो है इसके आसपास मुलारूश डेवलप हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस कैबरे, शायद वर्ल्ड का सबसे फेमस कैबरे है, जहाँ पे कैन कैन डांस की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1889 में, यानी कि आज से करीब 130 साल पहले मुलारूश की शुरुआत हुई, जहाँ पे पैसे वाले फैशनेबल लोग आते थे और अपना फैशन दिखाते थे। इस शो की बड़ी सारी खासियतें हैं। पेरिस में जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो सबसे पहले जो बल्ब थे वो यहाँ पे यूज हुए, इस मिल में यूज हुए। तो आज का जो मॉडर्न कैन कैन डांस है, यानी कि जिसमें जो लड़कियां जो गोगो डांसर्स है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं, वो दे किक देयर फीट हाई एंड दे डांस, ये उस जमाने में 130 साल पहले ये बहुत ही बड़ी बात थी कि यू कुड सी, यू नो, आप लड़कियों को देख सकते थे, उनकी टांगे देख सकते थे, उनकी थाइस देख सकते थे। टॉपलेस लड़कियां भी हैं इस शो में, तो अगेन ये शो बच्चों के लिए नहीं है, 18 ईयर से नीचे आप नहीं जा सकते, बड़े लोगों के लिए ही है। मुलारूश के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, करीब करीब 800 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, वो एक रेस्टोरेंट की तरह बनाया गया है, मतलब किसी ऑडिटोरियम के जैसा नहीं है कि सीधे सीधे सीटें लगी हैं और सब लोग एक के पीछे एक बैठे हैं, और हर एक टेबल के ऊपर एक लाल कलर का छोटा सा लैंप रहता है, ऐसा लगता है कि आपके आसपास के सारे टेबल्स के ऊपर छोटे छोटे लाल कलर के जुगनू चमक रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल। और जो शो है इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, हालांकि पूरा फ्रेंच में है, सारे ओरिजिनल फ्रेंच गाने तो शायद आपको समझ में ना आए, मगर लाइव शो ऐसा होता है कि देखने से धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है। एक स्नेक डांस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव सीन ऑन स्टेज। नागिन डांस की अगर बात करें तो नोबडी कैन बीट अवर ओन श्रीदेवी जी, लेकिन ये वाला नागिन डांस जो था ये थोड़ा अलग था, इसमें एक्चुअल नाग के साथ डांस था, मतलब कि स्टेज के ऊपर उन लोगों ने एक बड़ा सा कांच का पूल बनाया जो ऑटोमेटिक फ्लोर से निकल के बाहर आया, और उसके अंदर एक जिंदा अजगर बड़ा सा पाइथन था, और उस पाइथन के साथ में एक लड़की अंदर गई और उसने उसके साथ में फाइट किया, डांस किया, और मैं फर्स्ट टेबल पे बैठा था, मतलब मेरी सीट ऐसी थी कि फर्स्ट ही टेबल पे उसका पानी उड़ के मुझ पर आ रहा था। ओह माय गॉड, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। जब आप शो देखने के लिए जाते हो, हर एक टेबल पे आपको डिनर या कम से कम शैंपेन जरूर मिलती है, डिपेंडिंग ऑन योर टिकट।
तो मेरा शैंपेन वाला पैकेज था, इतनी सारी शैंपेन होती है वहाँ पे। वैसे मैं पीता वीता हूँ नहीं, मैं इट वॉज जस्ट वो पैकेज लेने के लिए मैंने ले लिया था, तो नाम के लिए खाली शैंपेन मंगा के रखी थी, बट आई स्वेयर मतलब आई डिडंट ड्रिंक, मैं पीता नहीं हूँ। चल झूठा। गिनीज बुक में उनका नाम है कि एक ही जगह पे सबसे ज्यादा शैंपेन की खपत अगर कहीं होती हो तो वो मुला रूस में होती है। करीब करीब एक साल में 2.5 लाख बॉटल शैंपेन यहाँ पे खर्च हो जाती है, लोग पी जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। हर साल करीब 6 लाख लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है मुला रूस, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप फ्रांस में है, अगर आप पेरिस में है, और अगर आपके पास सिर्फ एक रात है, मैं तो ये कहूंगा कि आप चाहे एफिल टावर ना देखें मगर ये जरूर देखने के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा शो आपने कभी नहीं देखा होगा। इट इज स्पेक्टेक्युलर। हां जी, मैं नू पिला दी गई है।